यू नो वॉट, आप बिना ट्राई किए आप अपने लिमिट्स को नहीं जान सकते, ये मैंने यहाँ पे आके सीखा। हेलो गाइस, माय नेम इज सुमन एंड यू वॉचिंग केदार कंथा ट्रैक एपिसोड 4। तो चलिए मेरे साथ मेरे सफर पे। तो अपने टाइम पे फॉलो रहना सब लोगों को। सबमिट से एक दिन पहले दोपहर के 4 बजे हमारे गाइड ने हमें बुलाकर ब्रीफ किया कि कल हमें 2 बजे समिट के लिए निकलना है और उससे पहले हमें हमारा ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट कर लेना है एंड उसी के साथ क्या करना है एंड क्या नहीं करना है वो भी बताया उन्होंने। और क्योंकि हम रात के 2 बजे निकलेंगे सो उस टाइम पे स्नो जो है जम के हार्ड हो जाती है तो हम उस पर गिर भी सकते हैं, तो इसलिए हमारे गाइड ने हमें गीटर्स एंड स्पाइक ला के दिया और ये भी बताया कि उसे यूज़ कैसे करना है। इसको मैं बताऊंगा कैसे पहनना है, कैसे इसको खोलना है। तो अभी आप देखेंगे और पहनेंगे अपने सूजों पे, पहन के थोड़ा सा आगे तक वॉक करके वापस यहाँ आएंगे ताकि आपको सुबह ऐसा ना लगे कैसा पहनना है। ज़्यादा इसमें कोई माइंडली नहीं है और इसको ऐसे चिपका देना, ये होता लेफ्ट ये होता राइट, और सूज में डाल के ऐसे खींचना है इसे। ये मैंने पहन लिया अपने गेटर्स एंड स्पाइक्स पहन लिए, तो अभी थोड़ा सा ट्रायल होगा। तो अभी सामने जो स्नो है मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो स्नो है इस पर हम लोग थोड़ी चल के प्रैक्टिस करेंगे ताकि कल सुबह कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने अभी प्रैक्टिस कर लिया है ये गिटर्स के साथ एंड स्पाइक्स लगा के, तो ठीक ठाक तो चल रहा है। देखते हैं कल सुबह क्या होता है। और अभी हमें पैकिंग भी करनी है, यहाँ पे अभी तक धूप निकली हुई है और टाइम हो रहा है 5:17, स्टिल धूप खेला हुआ है। अभी टाइम हो गया सूप का, तो पता नहीं है क्या सूप मिला है हम लोगों को। अभी 6 बजने जा रहे हैं ऑलमोस्ट। अभी हम लोग स्नोफॉल फाइटिंग खेल रहे थे, बहुत मज़ा आया। और स्नो जो है कहाँ कहाँ घुसी है मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरा टी शर्ट गीला हो चुका है पीछे, क्या ही और बोलूँ। तो हमारा डिनर लग चुका है, अभी कितने बजे है मुश्किल से, अभी अराउंड 7 बजे है मुश्किल से, और अभी से ही हमारा डिनर लग चुका है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, कुल्फ़ी जम जा रही है, क्या मैं बोलूँ। और एंड सनलाइट भी पूरी तरह से नहीं गई अभी तक, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो। और ये हमारे डिनर में रोटी है हर रोज की तरह, एंड यहाँ पे राइस है, पिकल्स है, एंड ये ना दो फ्रूट्स है ना, मटर ये डाले कुछ डाल डाल, एंड दैट इज सम मे बी डिजर्ट समथिंग वी डोंट नो। स्वीट है चाहिए, स्वीट है ये वाला एप्पल एप्पल है हाँ, फ्रूट सलाद। व्हाट इज दिस, वापस वापस ये नहीं दो ले कड़ा क्रेकन। तो अभी रात के 7:30-8 बजने जा रहे हैं, अभी से हम लोगों को सोना पड़ेगा क्योंकि कल सुबह 2 बजे हम लोगों को यहाँ से निकलना है समिट के लिए। तो बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, मुंह से बात नहीं निकल रही है, धुआं निकल रही है ओनली। और यहाँ पे हम लोग स्लीपिंग बैग में पूरा घुस चुके हैं एंड मैं बाकियों का हल दिखाता हूँ।
ये है बाकियों का हाल। तो कल सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम केदारकंदा बेस कैंप। तो अभी ऑलमोस्ट 1:30 बज चुके हैं, तो अभी हमें उठना पड़ेगा, सब रेडी करके हमें 2 बजे तक निकलना है। तो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ सब, चलो। तो अभी हम लोग रेडी है चलने के लिए, वी स्टार्ट आवर जर्नी। अभी हम लोग सबमिट करने के लिए जा रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं। सब लोगों ने कुछ भूला यहाँ पे ना, कुछ बता रहे हैं। हम कितने लोग क्लाइम कर रहे हैं? 7 लोग, ठीक है। एक बंदा हमारा यहाँ ही है। ओके, अंधेरे में चलते चलते कैसे 1 घंटा बीत गया हमें पता ही ना चला। उसके बाद हमने एक चाय के दुकान पे रेस्ट लिया जो कि पहले से ही बंद था। गाइड से पता चला हमें कि वो ओनली सीजन पे ओपन होता है। तो हम निराश ना होते हुए हमारे बैग से कुछ चॉकलेट्स निकाले एंड उसे ही हमने खाया। और शरीर में एनर्जी लेने के बाद हमने दोबारा से ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया। हम लोग सबसे आगे आगे चल रहे हैं। चलते चलते सांस फूलने लगा था, लेकिन वो सब मैं भूल गया चांद की रोशनी में नज़ारे देखने के बाद। भले कैमरा में वो कैप्चर नहीं हो पाया था, लेकिन आँखों से ज़रूर कैप्चर हुआ। तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। तो फाइनली हम लोग इतने मेहनत के बाद पहुँच चुके हैं पिक में, और सबसे पहले आप लोग ही पूछे मेरे मुंह से वॉट नहीं कलर पूरा जम गया है, फ्रीज हो गया है। उस दिन भले ही हमने सबसे आखिर में शुरुआत की हो, लेकिन समिट तक पहुंचने वाला सबसे पहला ग्रुप हमारा ही था। इससे ये प्रूव होता है कि आप चाहे तो कुछ भी कर सकते, बस उस चाहत को पाने की आशा और इच्छा होनी चाहिए। अब धीरे धीरे सनराइज हो रहा है, दिखाता हूँ। This is called heaven. शायद इसे ही जन्नत कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ बस खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ ये समा आपके मन को जरूर छू जाएगा। चांद भी दिख रहा है और इस तरफ से सूरज भी आ रहा है, सनराइज भी हो रहा है। ओह, मजा आ रहा है। जहाँ एक तरफ एक दिन खत्म हो रहा था, उधर ही दूसरे तरफ एक दूसरे दिन की शुरुआत भी हो रही थी। इससे हमें ये पता चलता है कि हर एंडिंग एंड नहीं होती है। तो अभी हम लोग बैठे हैं पीक पे, मज़ा आ रहा है, सामने से सनराइज हो रहा है, अमेजिंग फीलिंग आ रहा है, क्या ही और बोलूँ मैं। तो अभी धूप निकल चुका है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा के साथ गर्मी भी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। सनराइज होने के बाद हमने अपने आप को थोड़ा गर्म किया धूप में सेकते हुए, और क्योंकि मौसम अच्छा था इसलिए हमें नज़ारे भी अच्छे देखने के लिए मिले। अच्छे से व्यू एंजॉय करने के बाद हम ब्रिटेन चल पड़े बेस कैंप की ओर। रात के अंधेरे में जब हम आए थे तब उतना समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सुबह की रोशनी में सेम रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट सा होने लगा था, क्योंकि जहाँ एक तरफ खाई थी तो दूसरे तरफ बर्फ की ढलान थी। डर तो लग रहा था एंड गला भी सूख रहा था, लेकिन मेरे पास माउंटेन ड्यू भी नहीं था
ना ही मेरे पास पानी था। अभी अभी जस्ट बेस कैंप पे आए हैं तो पहले वाटर बॉटल्स फिल कर लेते हैं जैसे कि हमारे गाइड ने कहा। तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, पहले हर गाँव जाएंगे, उसके बाद वहाँ से साकरी जाएंगे। ये कुछ लोग आ रहे हैं, पीछे और भी है और ये बाकी के सामने है। तो अभी अभी हम लोग हर गाँव पहुँचे हैं और यहाँ पे आके हमें पता चला है कि पूरे सीजन में सबसे कम टाइम में सबमिट करके रिटर्न करने वाले हमारा ही ग्रुप है और सबसे कम टाइम में हर गाँव पहुँचने वाले हमारा ही ग्रुप है। करीबन 12:30 बज रहे हैं एंड नॉर्मली जो टीम्स रहती है वो 2 बजे के पहले तो आती नहीं है, पहुँचती नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत जल्द से जल्द हम लोगों ने सबमिट भी किया, सबसे पहले सबमिट किया, सबसे पहले नीचे भी आए एंड सबसे पहले हर गाँव भी पहुँच गए। हम लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया है और इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो यार और लाइक तो बिल्कुल ही करना। हर गाँव में थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमने हमारा सफ़र दोबारा शुरू किया। ओके फाइनली नीचे उतरते उतरते हमें रोड दिखी है तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बस देन पूरा पहुंच जाएंगे, फिर मिलते हैं साकरी में। दोपहर के 3 बजे हमने हमारा ट्रैक कंप्लीट किया एंड साकरी रिटर्न आए जहां शाम को हमें सर्टिफिकेट दिया गया, देन दूसरे दिन हम रिटर्न लौट गए। तो ये सफ़र फ़िलहाल इधर ख़त्म हो रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सो लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। कुछ फनी सीन देखना है तो थोड़ा रुक जाओ। कार्तिका जा रहा था नोट। डियर गाइस पार्ट 2।